بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج فروری 1984 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر سے ہو رہا ہے. 74ویں سورت 74. جیسا کہ پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے آتا رہا ہے، وہ انقلاب عظیم کے جس کو برپا کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا اور قرآن کا نزول ہوا، یہ صورتیں جو ہیں آخری پارے کی، یہ ان کا پورا منظر سامنے لاتی ہیں. نزولی ترتیب کو تو کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن اس شکل اور ترتیب سے قرآن ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، امت کو دیا. لیکن مضمون کے مفہوم کے اعتبار سے یوں نظر آتا ہے کہ یہ اس انقلاب کے آغاز کی صورتیں ہیں جس کا ظہور آگے چل کے ہوا ہے. ایک انقلاب عظیم دنیا میں آ رہا تھا. المزمل، تو پچھلے 2-3 درسوں میں آپ کے سامنے وہ صورت آ گئی. اب یہ صورت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. قبل اس کے کہ میں ان الفاظ پہ آؤں اور ان کا مفہوم پیش کروں، ہمارے ہاں جو ان سورتوں کے ان آیات کے عام ترجمے ملتے ہیں، پہلے میں اس کو سامنے لاتا ہوں. ہمارے ہاں کے تراجم میں ویسے تو وہی طرح غزلیں ہیں، طبری میں ایک تفسیر لکھی اور اسی کے اوپر چلے آ رہے ہیں، لیکن فی الجملہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ترجمہ ایک بلند مقام رکھتا ہے مروجہ تراجم میں. وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ. یہ ترجمہ ہوا
इन आयात का। इस तर्जमे से आपके रूह में कोई इरताश, दिल में कोई कपकपी, रूह में कोई हरारत, जहनों में कोई जला, आंखों में कोई बालीदगी, कुछ भी पैदा हुआ इससे? क्या नक्शा सामने आया हमारे? मुद्दस्सिर अरबी जुबान के लुगत मौजूद हैं, और जैसा मैं हर बार कहा करता हूं, उन्हीं लुगात का एक मुलख्खस खुद मेरी लुगातुल कुरान है। उसमें इन अल्फाज का या कुरान करीम के तमाम अल्फाज जिन्हें मुफरदात कहते हैं उनका जो मफहूम या तर्जमा दिया गया है, मेरा अपना नहीं है, ये तो मैं जुरत ही नहीं कर सकता था ना। कोई इल्हाम नहीं है उसके तो हम कायल ही नहीं है। यही अरबी जुबान के जो लुगात और मुस्नद लुगात हैं उन्हीं में ये सब कुछ है, वहीं से मैंने लिया है ये। लेकिन आप देखिए कि बात कहां से कहां पहुंच रही है। मुजम्मिल में तो आपने देखा था कि तजमील, जमात बंदी यहां से आगाज हुआ था, और मैं समझता हूं कि अल-मुद्दस्सिर जो है शायद उसके बाद का ये मकसद है, ये ऐलान अजीम है। पूरी कायनात में इनकलाब बर्पा करने का ये एक ऐलान है, इस तरह से आ रहा है। मुद्दस्सिर, दसर दाल से रे, तदसीर। खिजां के मौसम में, और आजकल तो मौसम खिजां का आ ही गया हुआ है, तमाम साबका कोहना पत्ते झड़ जाते हैं, शाखें बिल्कुल ठुट रह जाती हैं, माफ रखिए कि मैंने थोड़ा सा वक्फा ले लिया। बात वो आ रही है कि जिसके मुतलक फारसी में ही वो कहना पड़ता है कि निगे बरहम मजन ता नश्कनी रंगे तमाशा रहा। वो कहता था कि आंख भी ना झपक, तमाशे का रंग टूट जाएगा। बात ऐसी आ रही है कि मैं इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहां सामने मेरे कुछ हिलजल हो, रंगे तमाशा टूट जाता है उससे। दसर, मैंने अर्ज किया था कि आजकल इत्तेफाक से खिजा का मौसम है, पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, शाखें बिल्कुल बरहना हो जाती हैं, ठुट की ठुट जिसे कहते हैं वो रह जाती है, और इसके बाद बहार का आगाज होता है। उन्हीं शाखों से नए नए कोंपलें सरसब्ज पैदा होती हैं, और इस सहने खिजां दीदा के ऊपर एक बहार नव जलवा फरमा होती है। खिजां दीदा दरख्त के ऊपर इस नई किस्म की कोंपलें, शगुफे, रंग बरंग सरसब्ज और शादाब का आना जो है, इसे तदसीर कहते हैं, ऐसा करने वाले को मुदस्सिर कहते हैं। दूसरे मानी में जो वो इस्तेमाल करते थे अरब, इसको परिंदे अपने पुराने घोंसलों के जो बोसीदा तिनके होते हैं वो उनको झाड़ देते हैं, नए तिनके, ताजा तिनके, मजबूत तिनके, उन सब को लाके नए सिरे से अपने घोंसले और नशेमर को संवारते हैं
इस तरह से नशेमन को असर नौ संवारने वाले को मुद्दसर कहते हैं। ऐ कायनात के चमन खजान दीदा पे बहार नौ लाने वाले, ऐ नशेमन आलम को असर नौ संवारने वाले, कुम गौर फरमा लिया फरीजा क्या आयत किया गया है, मकसद क्या था इस बात से नबवी का, एक लफ्ज कुम के अंदर ये सारी संवार। कुम कभी कभी ये जहन में आता है और मैं इसका इजहार भी किया करता हूं कि मालूम ये होता है कि हम जो कदामत परस्ती में चले आ रहे हैं, यानी जो कुछ हमारे यहाँ होता चला आ रहा है उससे जरा भी हम नहीं हट सकते, कुरान के मफाहीम के लिए भी नहीं उधर से हम हट सकते। मगरब की ये दानिश्वर जो गैर मुतसब तौर पर मुतालिया करते हैं सीरत नबवी का कुरान का, वो हमारे मुकाबले में, हमारे से मुराद हमारी कदामत परस्ती के मुकाबले में, वो सही नुक्ते पर जल्दी पहुंच जाते हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, मेरे पास ये आते हैं वहां के बड़े बड़े दानिश्वर, उनके यहां ये बात नहीं होती, वो कभी ये नहीं पूछते कि जो तुम कहते हो ये पहले भी किसी ने कहा है और किसने कहा है, ये नहीं कहते। वो पूछते सिर्फ ये है कि इसकी सनद क्या है जो कुछ कहते हो तुम, बस जो इस मकाम पे आ गया वो आएगा सही कुरान के ऊपर। आपने देखा कि ये शजर खजान दीदा पे बहार नौ आना ये मुदस्सर है ना। हमारे यहां तो ये तर्जमा हुआ है, लिहाफ में लिपटने वाले खड़ा हो, उन लोगों ने इसे क्या समझा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करने वाले, कुरान के इनकलाब अजीम पे जिनकी निगाह थी, उन्होंने क्या समझा। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबात में, छठा खुतबा है उनके यहां का, उसकी इब्तदा की है और उसमें यह कहा है कि एक बहुत बड़ा तहजीब का मुअर्रख जमाना नज़ूल बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का नक्शा इस तरह से खींचता है। उन्होंने इसका नाम नहीं लिखा था, मैंने उसके बाद उसकी तहकीक की तो वो साहब इल्म अहबाब के इतला के लिए अर्ज करूं कि वो डेनिसन है जिसने अपनी किताब इमोशन एज द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, बड़ी अजीम किताब है, बड़ा नामवर मुअर्रख है। आप यही समझ लीजिए कि इकबाल जिसका इतना बड़ा इक्तबास अपने यहां देता है, अजीब किताब है, इमोशन एज द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन बाई डेनिसन, कहीं से मिले तो देखिएगा। वो यूं इब्तदा करता है, ज़हूर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मंजर पेश करता है कि उस वक्त ऐसा दिखाई देता था। मैं फिर अर्ज करूं कि मुद्दसर के ये माने जेन में रखिए और फिर इसे सुनिए कि यह शख्स क्या कहता है। उस वक्त ऐसा दिखाई देता था कि तहजीब का वो कसर मशैयद जिसकी तामीर में 4000 साल सरफ हुए, मुनहदम होने के करीब पहुंच चुका था और नौ इंसानी फिर उसी बर्बरियत की तरफ लौट जाने वाली थी जहां हर कबीला दूसरे कबीले के खून का प्यासा था और आईन और जवाबत को कोई जानता तक न था। कदीम कबायली आईन और मसालिक अपनी कुव्वत और एहतराम खो चुके थे, इसलिए अब मलूकियत के पुराने तुर्क व अंदाज का सिक्का दुनिया में नहीं चल सकता था। ईसाइत ने जिन कवायद और जवाबत को राज किया था वो नज्म व जब्त और वहदत व यकजहती के बजाय तशद्दुद व इफ्तराक और बर्बादी और हलाकत का मूजब बन रहे थे। गर्ज़े के वक्त वो आ चुका था जबकि हर तरफ फसाद ही फसाद नजर आता था।
तहजीब का वो बुलंदो बाला दरख्त जिसकी सरसब्ज और शादाब शाखें कभी सारी दुनिया पर साया फैगन थीं और आर्ट साइंस और लिटरेचर के सुनहरी फलों से लदी हुई थीं, अब लड़खड़ा रहा था। अकीदत और एहतराम की जिंदगी बख्श नमी उसके तने से खुश्क हो चुकी थी और वो अंदर तक से बोसीदा और खोखला हो चुका था। जंगो जिदाल के तूफान ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जो सिर्फ पुरानी रस्मों के बंधन से यकजा खड़े थे और जिनके मुतलक हर वक्त खतरा था कि अब गिरे या अब के बाद वो पूछता है कि क्या इन हालात में कोई ऐसा जज्बाती कल्चर पैदा किया जा सकता था जो नव इंसानी को एक मरतबा फिर एक नुक्ते पर जमा कर दे और इस तरह तहजीब को मिटने से बचा ले। इस कल्चर को बिल्कुल नए अंदाज का होना चाहिए था, इसलिए कि पुरानी रसूमात व आइन सब मुर्दा हो चुके थे और उन्हीं जैसे और कवानीन मुरतब करना सदियों का काम था। ये था नक्शा। तहजीब का वो बुलंदबारा दरख्त, उसकी ये हालत हो चुकी थी। और ये इसके बाद वो लिखता है कि ये अमर मुझे हैरत व इस्तेजाब है कि इस किस्म का नया कल्चर अरब की सरजमीन से पैदा हुआ जबकि उसकी दुनिया को अशद जरूरत थी। या अय्युहल मुद्दस्सिर, कार्लाइल की एक किताब है हीरोज एंड हीरो वर्शिप, वो भी जब दुनिया के कदीम हीरोज का जिक्र करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तक पहुंचता है, वजद में आ जाता है साहब। वो किताब भी पढ़ने के काबिल है। वो लिखता है कि अरबों के लिए ये इनकलाब एक नई जिंदगी थी, नई जिंदगी जो उन्हें तारीकी से नूर की तरफ ले आई थी। अरब इससे इसके जरिए पहली दफा जिंदा हुआ। एक ऐसी कौम जो इब्तदाए आफरीनज से गुमनामी के आलम में रेवड़ चढ़ाती फिरती थी, उनकी तरफ एक रसूल आया जो अपने साथ एक ऐसा पैगाम लाया जिस पर वो कौम ईमान ले आई। वो देखो, वही गुमनाम चरवाहे दुनिया की मुमताज तरीन कौम बन गए। वो हकीर कौम एक अजीम शान मिल्लत में तब्दील हो गई। एक सदी के अंदर अंदर अरब एक तरफ गरनाता और दूसरी तरफ दिल्ली तक छा गए। उसके बाद सैकड़ों बरस हो चले हैं कि ये उसी शान और शौकत और दरख्शंदगी और ताबिंदगी से कुर्राए अर्ज के एक हिस्से पर मुसल्लत हैं। और ये सब ईमान की हरारत से हुआ। ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान ही से जिंदगी मिलती है। यूं ही किसी कौम में ईमान पैदा हुआ, उस कौम की तारीख अमाल में नताएज और रूह में बालिदगी पैदा करने वाली बन गई। सुनिए फिर का उसका, वो अरब ये मोहम्मद और 100 साल का अरसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये इनकलाब ऐसा ही नहीं जैसे रेत के किसी स्याह गुमनाम टीले पर आसमान से बिजली की लहर आ गिरे और वो रेत का तौदा देखते ही देखते एक आतिशगीर मादा में तब्दील होकर इस तरह भक से उड़ जाए कि दिल्ली से गरनाता तक उसके शोलों की लपेट में आ जाए। नौ इंसानी, क्या अल्फाज, नौ इंसानी खुश्क नयस्ता की तरह एक शरारा के इंतजार में थी। वो बिजली का शरारा इस उस बतले जलील की सूरत में आसमान से आया और तमाम नौ इंसानी को शोला सिफत बना गया। या अय्युहल मुद्दस्सिर, कौन समझा है इस मुद्दस्सिर के माने को? ये समझे हैं इस मुद्दस्सिर के माने को, कार्लाइल समझा है, डेनिसन समझा है। और ये क्या अजीब इत्तेफाक नहीं कि जो बुनियादी माने थे उसके कि वो शाख खजांदीजा या शजर खजांदीदा पे बहार नाव आना, वो तशबीह और तमसील भी वही है जो इन 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 मकालात के अंदर आपके सामने आई है साहब। हो सकता है ये बड़े बड़े फाजिल थे, इन्होंने इसके बुनियादी माने भी लिए हों। हो सकता है कि ये खुद अपने ही तख्लीकी जेन से इस नतीजे पे, और तशबीह भी उनकी यही हो। लेकिन ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि कुरान ने जो लफ्ज इंतखाब फरमाया और अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इंतखाब फरमाया और कुरान में दिया,
वो जो बुनियादी मफहूम उसका था, ये लोग अपने तौर पे ही अगर पहुंचे हैं तो वो उस तक पहुंच गए। और हकीकत ये है कि जहन को अगर इस बुत कदे से साफ कर दिया जाए तो खाली उस जहन होकर भी इंसान जो सोचता है वो कुरान के करीब आ जाता है। ये तो ये बुत हैं हमारे सामने जो हमें वहां तक नहीं आने देते। या अय्युह अल-मुद्दस्सिर, माफ रखिएगा मौसम की खराबी से मुझके असर बड़ा होता है। या अय्युह अल-मुद्दस्सिर, कुम, मैंने अर्ज किया था कि ये कुम अजीम चीज है। ये ठीक है, वो जो कदीमी तराजम हमारे सामने है, और मैंने एक महमूद अल-हसन रहमा का ही नहीं दिया, कोई भी तर्जुमा आप देखेंगे, पहले आप में लिपने वाले उठ, राइज अंग्रेजी का लफ्ज जो है वो एक इनकलाब के लिए उठने के लिए वो लफ्ज आ जाता है। ये कुम वही है, ये एक अजीम शान इनकलाब है जिसके लिए ये आवाज बुलंद करनी थी, जिसके लिए उठना था। उठने का लफ्ज इस माने में भी आ सकता है। कुम इकबाल के अल्फाज में वो सलात, और सलात में जो कुम है, और वो जो कद कामत इस सलात आता है, ये कामा का क्याम सलात का लफ्ज मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ कायम करो का लफ्ज तो बाकी है लेकिन अमल उसका नमाज पढ़ो में ही आता है। कोई नहीं कहता मैं नमाज सलात कायम करके आया हूँ, मैं सलात कायम करने जा रहा हूँ, लिखा हुआ होता है। ये टीवी के इश्तेहार रोज शाम को इश्तेहार नहीं, ऐलानात रोज आप देखते हैं, कभी सलात कायम कभी नमाज कायम करो की ताकीद होती है, और कभी कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं कहता मैं नमाज कायम करके आता हूँ। वो चीज, दोनों चीजें मिलती नहीं, अनमिल है आपस में। ये क्याम एक ऐसी चीज थी, इकबाल ने इन वानी को हमारे यहाँ दिया है। बड़ा खूबसूरत है ये खता उनका कि दोगेती रा सला अज किरते उस्त। सला के माने दावत होती है, ऐलान करना होता है दूसरे में। दोगेती रा दो आलम रा सलाह अज किर, मुसलमान ला यमूत अज रिकते उस, ला यमूत जिंदा है जावेद जिस पर मौत ना आए। मुसलमान रा मुसलमान ला यमूत अज किरते रिकते उस, न दानद कुश्ताए ई असरे बेसोज, असरे बेसोज और उसका कुश्ता। क्या बात है इस शख्स की भी, ये क्या जाने असरे बेसोज का ये कुश्ता, क्या जाने कयामत हा के दर कद कामते उस। उसकी आवाज में जब कद कामते उस आता है तो इस क्याम के माने ये कुश्ता है असरे बेसोज, क्या जाने सा है। कयाम ये था अजीजा ने मान। कुम कितना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये, कितना बड़ा मिशन अजीम था, कैसा प्रोग्राम था जिसके लिए कहा गया कि ऐ वो के जिसके जिम्मे शजरे खजान दीदा शजरे कायनात को बहारे नाव लाना है, नशेमन कायनात को अक्सरे नाव संवारना है, ये तेरे जिम्मे प्रोग्राम है। कुम वदाना अन का विजरा कल्लज़ी अन का दज़हरा का, आखिर में कहा कि क्या वो बोझ तुम्हारी कमर से नहीं उतार दिया हमने जिसने तुम्हारी कमर को तोड़ के रख दिया था। ये कौन ऐसा था साहब, कोई छोटा प्रोग्राम है कायनात का लिए, दो आलम के लिए, रहमतुल लिल आलमीन इसीलिए कहा गया, कोई मकामी नहीं है, किसी खास नस्ल और कौम के लिए नहीं है। दुगेती रासला अज करते उस, कुम फअंजिर, पूरी दुनिया के लिए ऐलान, ऐ रास्ते को भुलाए हुए लोगों, ऐ गलत रास्तों के ऊपर जाने वाले लोगों,
ख्याल करो कि तुम्हारा ये रास्ता तुम्हें किन तबाहियों की तरफ ले जा रहा है। रुको, ठहरो, कुआं है आगे, तुम अंधे हो, गिर जाओगे उसके अंदर। तुम फांजिर, पहला मरहला इंतजार का होता है, ललकारना उसको होता है अंधे को जो कुआं आगे आता है। तो क्यों रुक जा, ठहर जा, बहुत जोर से कहना पड़ता है ये रुक जाओ ठहर जा। ये जो तंजीर का मरहला होता है, इब्तदाई मरहला, बड़ी जरूरत की जरूरत है। सारे जमाने, सारी दुनिया से अलग है एक पुकार, पूरे का पूरा कारवां नौ इंसाने का चला जा रहा है गलत रास्ते के ऊपर, ये एक शख्स आना अव्वलुल मुस्लिमीन, वो कहने वाला, वो कहता है उसको क्यों रुको ठहरो, तबाही और बर्बादी की तरफ चले जा रहे हो। किसी एक खुद सर आदमी को रोकना ही कुछ कम हिम्मत तलब नहीं होता अजीजान मन, पूरे नौ इंसानी को रोकना, इन तमाम कारवां दर कारवां गेती वालों को ललकारना और सबसे कहना कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये सेकुलरिज्म वाले तो अब उस जमाने में कम कुछ होते थे कि जिनका कोई मजहब ही ना हो, ये सारे अहले मजाहब थे और वो अपने अपने मजहब अपनी अपनी तालीम में मगन थे कि हम सच्चाई पर हैं। उनके पैगंबरों की सच्चाइयों को ये खुद पुकारने वाला भी तस्लीम करता था, ऐलान करता था, एतराब करता था। उन्हें ये कहना कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो तबाही की तरफ तुम्हें ले जाएगा, फांजिर। ये है नेगेटिव एस्पेक्ट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, रोकना किसी चीज को। यह इतना ही प्रोग्राम नहीं, यह तो उस प्रोग्राम का एक मनफी पहलू है, रोक देना किसी को। यह पॉजिटिव नहीं, मुस्बत नहीं, कुछ करने की बात नहीं, करने की बात आगे आती है। व रब्बका फकब्बिर, इनको रोक दे और उसके बाद मुस्बत प्रोग्राम सामने रख। अजीम दो लफ्ज हैं अजीज अनमन, एक अजीब सर्कल बनता है इसके, रबूबियत आलमीन, प्रोग्राम ही ये है, कुरान का ऐलान ही ये है, इस निजाम का मकसद ये है, पूरी नव इंसानी को सामान्य नश्व नमा बहम पहुंचाना। यही नहीं कि रात को कोई भूखा ना सोए, बल्कि ये भी कि कोई इंसान ऐसा ना हो कि जिसकी सलाहियतों की नशो नमा ना हो चुकी हो, ये प्रोग्राम है तेरे जिम्मे में। लफ्ज़ी रब का लाया है, रब्बे का क्या कर इसको, रब्बे का फकब्बिर, ये इतना बड़ा गालिब कर दे इसको कि दुनिया का कोई निजाम इसके सामने ठहर ही ना सके। किबरियाई सिर्फ रबूबियत खुदाबंदी की हो जाए। दो लफ्ज अजीजा ने मान, रब्बे का फकब्बिर, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, इस निजाम को तमाम निजाम हाय आलम के ऊपर गालिब बकारना था। अल्लाहु अकबर, वो पहला कदम ही कम हिम्मत से कम नहीं था कि इनको रोकना जो था, और रोकने के बाद जो अब मुस्बत और पॉजिटिव आगे प्रोग्राम आया है, तो सोचिए तो सही कि ये प्रोग्राम क्या है। निजाम है रबूबियत आलमीनी का, तमाम नौ इंसानी, तमाम अफराद इंसानियत की रबूबियत का प्रोग्राम, और जाहिर है कि इनकी नशो नुमा तो उसी सूरत में हो सकेगी कि जिन लोगों के हाथों में जराया और सामान नशो नुमा थे उनसे छीना जाएगा इसको, और इस निजाम की तहवील में दिया जाएगा ताकि ये नौ इंसानी की परवरिश का काम दे सके, ये प्रोग्राम। और फिर ये यही नहीं कि दूसरों की सतह पे लाया जाएगा, रब्बे का फकब्बिर, आलान इतना बुलंद और बाला और इतना गालिब किया जाएगा कि इस किबरियाई के मुकाबले में किसी की किबरियाई ना आ सके। रब्बे का फकब्बिर, एक लफ्जी लतीफा भी है इन दोनों के अंदर, रब्बे का फकब्बिर,
ये इधर से पढ़िए जब भी रब्बे का फकब्बिर आता है, और इधर से पीछे की तरफ लौटाइए जब भी रब्बे का फकब्बिर आता है। ये एक दायरा बनता है इस एतवार से आप देखिए। और दायरा ये क्या बनता है, तुम खुदा की किबरियाई को कायम करो, खुदा तुम्हारी किबरियाई को कायम कर देगा। और ये कुरान ही का एक लफ्ज है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाहु अकबर, मकाम इंसानियत मुलाहजा फरमाइए। खुदा ये कह रहा है कि तुम मेरे शर्फ व मजद को दुनिया में बुलंद करो, और मैं क्या करूंगा, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारे शर्फ व मजद को बुलंद करूंगा। यानी ये कोई खुदा का काम नहीं ये जो कर रहा है, ये अपने ही शर्फ व मजद की बुलंदी के लिए ये एक तरीका अख्तियार किया गया है। साहब क्या खूबसूरत अंदाज में किसी ने, हमारे यहाँ के ये कहने वाले शायर भी अजीब चीज पैदा करते थे, लेकिन फिर वही मेरी मुश्किल वही है कि ये चीजें फारसी में हैं, लेकिन हैं तो वो ऐसी बर्जस्ता सुनने वाले। मैंने यही कहा है ना कि खुदा का जिक्र, जिक्र के माने शर्फ और मजद और तकरीम और एजाज होता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे शर्फ व मजद को बुलंद करने के लिए ये कुछ करो, मैं तुम्हारा शर्फ व मजद बुलंद कर दूंगा। इससे तुम्हारा ही शर्फ और मजद बुलंद, तुम्हें ही शर्फ हासिल होगा। वो मुझे फिर शेर की बात हुई कि हकायत कदे आ यारे दिल नवाज कुनम। उस यारे दिल नवाज के कद की दास्तान खूबसूरत बयान कर रहा हूं मैं, बही बहाना मगर उम्र खुद दराज कुनम। असल में इस बहाने से मैं अपनी उम्र बढ़ा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत चीज है ये जो जिक्र वज़कुरनी जो है खुदा के लिए बाजार कुछ करना, बही बहाना मगर उम्र खुद दराज गुनम। वज़कुरूनी अज़कुरकुम रब्बका फकब्बिर। बात याद आ गई, वो जहाँ रोजे फर्ज हुए हैं ना, तो वहां ये भी कहा है ले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाक। तुकब्बिर ये इसलिए है, प्रोग्राम दिया गया कि तुम खुदा की किबरियाई को कायम करो, तुकब्बिरुल्लाह। तो आपको पता है कि ये जो चीज है इसके लिए ये तामील कैसे हमारे यहाँ होती है, वो ईद की नमाज में जो छह वो तकबीरें ज्यादा होती हैं ना, उसके ये माने होते हैं रब्बे का फकब्बिर। छह तकबीरें ज्यादा कह दीजिए, ये फरीजा पूरा हो गया। बहरहाल ये बातें करने की नहीं है, दिल में खराश पैदा हो जाती है। रब्बे का फकब्बिर, रबूबियत आलमीनी को दुनिया के अंदर इतना बुलंद ले जाए कि इसकी किबरियाई का जवाब कोई ना मिल सके। देखा ये अल-मुदस्सिर के जिम्मे प्रोग्राम क्या लगाया जाए, मनफियाना फानजिर, रोक इनको, आगाह कर दे इनको, अंधे हैं आगे ना बढ़ने दे। और दूसरी तरफ मुस्बत प्रोग्राम ये है कि ये रबूबियत आलमीनी के प्रोग्राम के निजाम को इतना बुलंद ले जा के कोई दुनिया का निजाम इसके मुकाबले में ठहर ना सके, किबरियाई इसी के कायम हो सके। वस्याबा का फतहिर, चलिए तर्जमा आपने सुन लिया था ना कि अपने कपड़ों को पाक रख, गंदगी से दूर रह। जी नहीं चाहता बार बार इस तनकीदी बात के, वरना सोची अजीजाने मन, हम नहीं बाकी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से ये हुक्म आ रहा है कि अपने कपड़े पाक रखा कर। और अगले भी साथ ले लीजिए ना, वर रुज्जा फाजुर, और गंदगी और पुलीती को पास ना आने दिया कर। यानी इसके लिए भी खुदा की तरफ से वही आने की जरूरत थी, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस वही के बगैर क्या तसव्वुर सामने आता है। ये भी खुदा को कहना पड़ा कि कपड़े पाक और साफ रखा कर, इनको आलूदा गंदगी से ना होने दिया कर।
जो किसी के जी में आए समझे बेरा जीना ने मन, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपने कल्बे हजी की बात कहता हूँ कि मैं तो नामूस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुलंद समझता हूँ कि मैं ये नहीं समझता कि हजूर के लिए खुदा की तरफ से ये कहने की जरूरत थी कि कपड़े साफ रखा कर। सियाब सौब ये ठीक है, इब्तदाई मानों में कपड़ा भी इसके माने में आता है, कपड़े के लिए ये इस्तेमाल होता है ये सब कुछ, लेकिन आगे चलिए तो सही, पूछिए तो सही अरबों से अजीजा ने, नहीं किसी जबान में भी कोई लफ्ज लीजिए बुनियादी तौर पर वो लीजिए, फिर आगे देखिए कि इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि पानी तो ये पानी पीने की बात है, लेकिन जब कहेंगे कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तो वहां ये पानी का कटोरा नहीं, वहां तो बात ही कुछ और हो जाती है। उनसे पूछिए कि वो क्या क्या मानो, किन किन मानों में इस्तेमाल किया। ये सौब सही तो स्वभाव है आपके वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि किस तरह से ये अल्फाज बदल के किस तरह ये माने होते थे, बुनियादी माने वहां रहते थे। ये सियाब और सौब जो कपड़ा है इसके माने खुद वो शख्सियत लेते थे, वो जात लेते थे, एक तो ये माने लिया करते थे। मैं तहरा के माने पहले ये कर दूं कि इसके माने पाकीजगी तो ठीक होता है, इसके माने हर गलत चीज से किसी चीज को दूर रखना, पाक रखना होता है। सियाब के माने शख्सियत, अगर पर्सनैलिटी अपनी जात ली जाए तो ठीक है, जात शख्सियत की पाकीजगी बुलंदी। और इसके माने जिस टेक्स्ट में सियाक और सबाक जिसे कहते हैं, जिसमें ये लफ्ज आया है वहां इसके एक और माने भी हैं अरबों के। हाँ माफ रखिएगा, उनके यहां जब किसी बड़े काम के लिए लोगों को इकट्ठा करना होता था, तो लाउड स्पीकर तो थे नहीं उस जमाने में, वो किसी ऊंचे मकाम पे खड़े होके वो शख्स आमतौर पे टीले पे या छोटी सी पहाड़ी पे वो एक कपड़ा लेके और उसको झंडी से बांध के और उसको हिलाता था जोर जोर से कपड़े को, उसे समझ जाते थे कि कोई अहम मामला है जिसके लिए इकट्ठा करने के लिए ये निशान दिया गया है। ये जो था इसको अरबों के यहां उनकी जुबान में आज भी तस्वीब कहते हैं, कपड़े का इस तरह हिलाना जिससे लोग जमा हो जाएं। अब भी इनके यहां ये जो सुबह की नमाज में अजान में, सुबह की नमाज की अजान में वो अस्सलात व खैरुम मिनन नौम ये जो कहा जाता है ना, ये फिक्रे के लिए लफ्ज़ तस्वीब अब भी रायज है। कोई खड़ा होकर नहीं सोचता कि ये तस्वीब क्यों है, इसके लिए ये जमा करने के लिए आवाज है ना, अब भी ये इस्तेमाल होता है लफ्ज इस तरह, इसे कहते ही तस्वीब है। और यही तो वो सियाब है, दावत इज्तिमाईयत जमा करना लोगों को, दावत दोनों चीजें आ गई, इनफरादी तौर पे शख्सियत, इज्तिमाई तौर पे इस इज्तिमा के लिए दावत। अपने इस दावत को, इस प्रोग्राम को, इस निजाम को क्या कर, किसी किस्म की कोई गलत चीज इसके अंदर शामिल ना हो जाए, गलत चीजों को दूर रख, सहारा के माने दूर रखना होता है इन चीजों को। शिरकत में आना है, हक व बातिल ना कर कबूल, देखना, एहतियात बरतना। ये जो सियाब तस्वीब तुम्हारी है, दावत दे रहे हो, मालूम नहीं किस किस किस्म के लोग आ जाएंगे इसके अंदर। बड़ा जरूरी है कि इस दावत को इस किस्म की शख्सियतों से दूर रखा जाए, जो इसमें शामिल हो उनकी शख्सियत, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत पाकीजा हो। खुद ये दावत भी जो है ये सिर्फ खुदा के लिए हो, इसमें किसी और किसी किस्म की और तस्वीर ना पैदा हो जाए, कोई चीज शिरकत ना इसके अंदर हो जाए। ये है सियाबा का होता। लो जी, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर, पहला काम ये है, रोक इन गलत कारों को।
रब्बा का फकब्बर प्रोग्राम ये है कि खुदा की रुबूबियत आलमीनी का निज़ाम इतना बुलंद ले जा कि सब दुनिया के बाकी निज़ाम हाय आलम के ऊपर ये गालिब आ जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि वस्याबा का फतहर अपनी शख्सियतों को, जो शामिल होने वाली जमात में लोग हैं उनकी सीरत और किरदार को, खुद इस अपनी तहरीक को, किसी किस्म की गैर खुदाबंदी अंसर को इसमें शरीक ना होने दे, पाकीज़ा रखे इसको इनसे। देख रहे हैं प्रोग्राम की कड़ियां क्या आ रही हैं। और आज उसके बाद वर रुज़ा फहजुर, नहीं यही जो सियाबा का फताहिर है, ये चीज यही नहीं है कि महसूस तौर पर कोई चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, उनसे दूर रख। ये जो हो सके ना कि ये बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए, काबे से बुत निकाल देने चाहिए, ये कुछ नहीं। मैं फिर लौट के इसकी तरफ आ गया हूं इसलिए कि आज हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि ये जो इस्लाम की दावत है, इस्लाम पर ईमान लाना है, खुदा पर ईमान लाना है, उसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे पाकीज़ा रखने की जरूरत है। हर किस्म के गैर कुरानी तसव्वुरात, नजरियात, एतकादात, मसालक, शायर, कुछ भी गैर कुरानी जो है, कुरानी ईमान या तसव्वुर, उन तमाम से पाकीज़ा रहना चाहिए, फिर वो ईमान होगा खुदा के ऊपर। मुखलसीन अलुद्दीन, इताअत को खालिस करते हुए उसके लिए, जिसमें कोई जरा सा बाल बराबर शायबा भी उसमें गैर कुरानी ना आने पाए। कुरान को तो वाला का जसर नल यसरनल कुरान लिज़िक्र, ये कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है जो कुरान ने खुद कहा है कि मुतहरीन जो है उन्हीं की समझ में ये बात आ सकती है। इसके साथ मासी वो कर सकते हैं जो पहले मुतहर। अब अगर ये चीज उनके तर्जुमे में ली जाए तो वो तो सीधी बात है ना कि कुरान को पढ़ने के लिए गुसल कर लेना चाहिए, वुजू करना चाहिए, कपड़े साफ पाक होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो हैं ये तो अजीजा ने मन, ये ऐसे आम शायर की चीजें हैं कि इसमें तो मुस्लिम और काफिर वो सारे ही शामिल होते हैं, बल्कि हिंदुओं के यहाँ तो हमने देखा है उनके यहाँ सुबह का स्नान करना लाजम होता था। हमारे एक दोस्त कहा करते थे, देखिए ना ये हिंदू कितने गंदे हैं, मुसलमान कितने, आज सुबह ये गुसल करते हैं, नहाते हैं, फिर ये दोपहर को नहीं नहाते, शाम को नहीं नहाते, रात को नहीं नहाते, फिर कहीं जाके दूसरी सुबह को नहाते हैं, और मुसलमान रोज जुमे जुमे, रोज जुमे जुमे, रोज जुमे जुमे। ये ठीक है गुसल और वजू और कपड़े, लेकिन ये तो वो शार है कि जो हर एक कर सकता है। ये कौन सी ये तहारत तत्हीर है जिसके लिए यहाँ जोर दिया गया है, शख्सियत जात की भी और दावत की भी तत्हीर। कुरान के मस करने के लिए कहा है कि तत्हीर मुताहर होने चाहिए। क्या तत्हीर है ये बयान कर गया हमारे दौर में ये शख्स, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। ये दिमाग के बुतखाने को साफ कर रहा है। हमारे यहां इस पे तो बहुत जोर दिया जाता है कि फतह मक्का के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 360 बुतों को निकाल के बाहर फेंक दिया था। ठीक है, ये होगा, ये कुछ मुश्किल नहीं।
हजूर ने जो प्रोग्राम तय किया था वो ये कि वो इनके दिलो दिमाग में जो बुत थे उन बुतों को वहां से निकाल दिया था। और ये मुश्किल तरीन काम है सर। ये तो ऐसे बुत हैं, दूसरी जगह यही शख्स कह गया है, रहमत ए इकबाल रा दर काबा ऐ शेख हरम, इसे काबे में ना जाने देना इकबाल को। अरे क्या बात है, ये तो बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हुए है, सूटेड बूटेड है, क्या बात है। हर जमान दार आस्ती दारत खुदा बंदे दिगर, इसकी कैफियत ये है कि इसकी आस्ती के अंदर इतने छुपे हुए बुत हैं, एक निकालो एक और उसके अंदर आ जाए। हर जमान दर आस्ती दारत खुदा बंदे दिगर, ये जो खुदाबंदे दिगर है ना, इनको निकालना कल्बो निगाह से अजीजा ने मन। ये जब काबा साफ होगा तो फिर खुदा का घर ये बनेगा। वो बड़ा गयूर वाकया हुआ है, वो तो किसी दूसरे पहले बसने वाले की चारपाई भी अंदर रह गई हो, जब भी अंदर नहीं आता कहता पहले बाहर निकालो इसको, फिर वो कोई स्प्रे भी करता है। यूं दिमाग की तत्हीर जो है, कल्ब व निगाह की पाकीजगी जो है, हर गैर कुरानी तसव्वुर से इसकी पाकीजगी। बल्कि वो तो ये कहता है कि मी तराशद फिक्र मा हर दर खुदा बंदे दिगर, तराशद मेरी फिक्र हर दम एक नया 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 खुदा तराशती है। ये पत्थर के टुकड़े को तराश के उसमें से बुत बनाते हैं ना, ये तराशीदन तो ये है। नी तराशद फिक्रे मा हरदम खुदा वंदे दिगर, रस्त अज यक बंद ताउफ्ता दर बंदे दिगर। एक बंदे से इसको छुड़ाओ आजाद करो, इसकी कैफियत ये है कि उसी किस्म के एक और बंद के अंदर जा फंसता है। इसलिए कि मी तराशद फिक्रे मा हर दम खुदा वंदे दिगर, नए नए बुत नए नए माबूद तराशते चले जाती है मेरी फिक्र, हर दम खुदा वंदे दिगर। ये थे वो बुत, ये फिक्री और नजरियाती और एतकादाती, ये थे वो असनाम, ये थे वो बुत जिनको दिल और दिमाग के बुतखाने से निकालना जरूरी था। ये है वो ताकीद जो कहा है कि वह सियाबा का फतहिर, इस जमात में आने वाले जो हैं पहली चीज तो उनके लिए ये है कि उनके कल्ब और दिमाग में शायबा तक बाकी ना रहे किसी गैर कुरानी तसव्वुर का। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म व युज़क्कीहिम, क्या बात है, तालीम किताब व हिकमत से युज़क्कीहिम पाकीज़ा कर देता है, नशोनुमा कर देता है इनकी, साबका बुतों में से किसी का साया तक बाकी नहीं रहने देता। ये आपके यहाँ वक्त है, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया अजीजा ने मन। वो इसलिए कि वो सोचना तो हराम करार दे दिया जाता है ना मजहब के अंदर। ये ला इलाह क्या है, क्यों इल्लल्लाह से पहले ये जरूरी है? इल्लल्लाह तो खुदा पर ईमान है, ठीक है, लेकिन इल्लल्लाह तक पहुंचने से पहले ला इलाह जरूरी करार दिया गया है। अकेले इल्लल्लाह ईमान नहीं बनता, ला इलाह के माने यही हैं कि हर किस्म के इलाह को दिमाग से निकाला जाए तो फिर इल्लल्लाह आता है। इल्लल्लाह तक की मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता इंसान अगर ला इलाह की मंजिल ना पहले हो, कोई इलाह बाकी नहीं। क्या बात है, इस ला इलाह के दो लफ्जों की रीजा ने मन, क्या बात है, इस कुरान की दो दो लफ्ज होते हैं इसके साथ। इलाह का लफ्ज लाया है, कोई साहिब इख्तदार नहीं, कोई साहिब इख्तियार नहीं, कोई इस काबिल नहीं कि उसके सामने झुका जाए, कोई इस काबिल नहीं कि उसको हाकिम माना जाए। हर किस्म की नफी ला ला, ये भी ला वो भी ला, काटता चला गया
साफ करता चला गया इस स्लेट को। जब बिल्कुल स्लेट साफ हो गई तो फिर कहा इल्लल्लाह, हाँ एक इलाह है और वो है इलाह हकीकी, वो है खुदा। ये ईमान बनता है ला इलाह। ये ला इलाह जो है ये है सहाबा का फतह। फिर उफ़ो, सियाबा का पता है वर रुज जफा जुर, अगली चीज आ गई। तर्जमा आपने सुन लिया था ना कि गंदगी से दूर रहो, कपड़ों को अपने पाक रखो, गंदगी से दूर रहो। रे जीम जी, ये है मादा, ये रुजज या रजिज या रजिस का। फिर जेन में रखिए कि एक जमात तैयार हो रही है, ललकारा जा रहा है गलत रहो काफरे को कि ठहर जाओ, रुक जाओ, ना आगे चलो। उनमें से जो लोग रुकते हैं ठहरते हैं वो इधर आते हैं। पहली मंजिल है उसकी तत्हीर फिक्र नजर उनके लिए, दिलो दिमाग से हर किस्म के गैर खुदाबंदी बुतों को निकाला जा रहा है, साफ किया जा रहा है। खुद अपनी दावत के मतलब ये देखा जा रहा है, एहतियात बरती जा रही है, और ये एहतियात बड़ी जरूरी होती है। हो सकता है कि अफराद जो है उनमें पाकीज़गी सीरत हो, लेकिन आपकी दावत जो है उसके अंदर ऐसा आंसर आके आके मिल जाए जो गैर कुरानी हो। इस काफला सलार की जिम्मेदारियां बड़ी दूर रस और गहरी होती हैं। इसीलिए तो अमले तजमीन में ये बात कही गई थी कि चुन चुन के इस तरह से ये सवारियों को इकट्ठा कर। ये इस किस्म की जमात है। अब आगे बात आई सा, मैंने अर्ज किया है कि वह रुज फहजुर, प्रोग्राम ऐसा है जिसके लिए बड़ी इस्तेकामत की जरूरत है, स्टेडफास्टनेस, जम के खड़े हो जाना बड़ी मुस्तहकम चीज के ऊपर। ऊंटों में एक बीमारी होती थी, वो हमारे यहां बैलों में भी हो जाती थी आमतौर पे बीमारी, उनकी टांगों में कमजोरी ऐसी आ जाती थी कि वो झटके से उठने लगते थे, एकदम उठा नहीं जाता था, गिर पाते थे, कमजोर हो जाते थे। दो तीन दफा झटका लेके उठते थे तो फिर भी वो टांगें लड़खड़ाती थी, उनमें इस्तेकामत नहीं होती थी, कमजोरी होती थी इस किस्म की। रजिस उसे कहते हैं। कहा कि ये देख लेना कि तुम्हारी जमात के अंदर जो लोग आए इस किस्म की नहीं कैफियत हो, यहां इस्तेकामत की जरूरत होगी। ये ना हो कि उनके पाए इस्तिकलार में लगने से आ जाए। इसे भी देख ले फस्तकिम, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने यह कह दिया कि हाँ रब हमारा अल्लाह है, उसके बाद आगे ये है कि जम कर खड़े हो जाना है इसके ऊपर। ऐसी लड़खड़ाहट ना टांगों में पैदा हो जाए। पहली चीज तो यही है कि उठते वक्त भी इतनी इतनी कुव्वत होनी चाहिए टांगों के अंदर कि एक झटके से उठे। ये आपने वेट लिफ्टर को देखा होगा टीवी पे, आमतौर पे ये नजर आ जाता है। तो कामयाबी के लिए पहली शर्त यह है कि जब वो उठाता है तो एक झटके के अंदर उसको उठा ले। अगर इसके अंदर उस झटके के अंदर टांगे जो है कमजोर हो जाए तो वो उठा ही नहीं सकता। पहली चीज ये है रजिस की। और उसके बाद फिर वो खड़ा हो तो कांपे नहीं टांगे।
इतनी बड़ी इस्तेकामत की जरूरत होगी इस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम को उठाने वाले, इस बारे ग्राह को उठाने वाले जो है उनके अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि कुंभ के वक्त लड़खड़ा के ना उठें, एक झटके से उठ खड़े हों, और उठ खड़े होने के बाद फिर इस्तेकामत इतनी हो उनके अंदर हो कि लड़खड़ाएं नहीं, उनकी टांगें कमजोर नहीं होनी चाहिए। जमात इस किस्म की होनी चाहिए। वह रुज फहजुर, रुज किसके अंदर है तो पहले देखो कि वो निकल जाए, उसकी इसलाह हो जाए, तकवीयत हो जाए उसके अंदर इतनी पैदा। ये है जो जमात तुमने बनानी है। इस जमात को लेकर रबूबियत आलमीनी के प्रोग्राम की इब्तदा करनी है, और उसके अंदर जो खसूसी शर्त है, बुनियादी है, वो अगली आयत के दो लफ्जों के अंदर आती है। लेकिन अगली आयत तक आने से पेशतर मैं चाहता हूं कि जरा दोहरा दूं, ये थे वो इसका तर्जुमा जो आपने पहले देखा हमारे यहाँ आम तराजुम के अंदर, यही मिलेगा आपको। ए लिहाफ में लिपटने वाले खड़ा हो, फिर सुना दे, और अपने रब की बुराई बोल, और अपने कपड़े पाक रख, और गंदगी से दूर रह। अल्फाज के मानी लुगत अरब के मुहावरा अरब की रूह से मैंने पेश कर दिए, जो गैर मुस्लिम दानश्वार आज खुद जिन्होंने मुतालिया किया इस तहरीक का, इस्लाम का, वो जिस नतीजे पे पहुंचे वो मैंने बता दिया। आपको मालूम है कि मेरा मसलक उम्र भर का ये है कि मैंने कुरानी अल्फाज के मानी पहले इस तरह मुतय्यन किए कि ज़माना नज़ूल कुरान में उनका मफहूम क्या लिया जाता था, और लुगातुल कुरान मुरतब की, और उस लुगात की बुनियाद पर फिर सारे कुरान करीम का मफहूम मुरतब किया। तो जी नहीं चाहता कि आगे बढ़ जाऊं, और जो मैंने मफहूम मुतय्यन किया है वो अल्लाह ताला की तौफीक फजल की रूह से है, खुद अपने मुतलक नहीं कुछ करता। इन आयात का मफहूम मफहूमुल कुरान में जो आया है मैं वो भी पढ़ देता हूँ। ऐ वो के जिसके जिम्मे आलम इंसानियत को संवार कर एक जहान नौ को वजूद में लाने, और इस तरह हक के निजाम को हर निजाम बातल पर गालिब करने का इनकलाबी प्रोग्राम है, उठ। अब जिस तरह से तखातुब किया जाएगा जिसको, फिर उसके बाद उस उठ के माने तो खुद जहन में आ जाएंगे ना, राइज, उठ। और खुदा फरामोश इंसानों को उनकी गलत रवश जिंदगी के तबाह कुन नताइज से आगाह कर, और खुदा के निजाम रबूबियत को इस तरह मुतमक्किन कर दे कि किबरियाई सिर्फ उसी के लिए हो, इससे खुद तुम्हें भी दुनिया में बड़ाई हासिल हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि अपनी सीरत व किरदार को नहायत पाकीजा बनाया जाए, और इस दावत व तहरीक को हर किस्म के नापसंदीदा अनासर से पाक व साफ रखा जाए, इसलिए कि ये कोई ऐसा मैकेनिकी निजाम नहीं कि जिसने चाहा इसे चला लिया। इसके लिए खुद इस दावत का साफ और शफाफ रहना, और उसमें शामिल होने वालों के कल्ब व निगाह का पाकीजा होना बुनियादी शर्त है। इस किस्म के रुफका को अपने साथ ले, और उनकी ऐसी तरबियत कर कि उनकी सीरत में पुख्तगी पैदा हो जाए, जिससे वो इस बारे अजीम को आसानी से उठा सकें, और उनके पाए इस्तिकलाल में कहीं लगजश ना आने पाए। वो इस बोझ को लेकर उठें तो उनकी टांगें लड़खड़ा कर न रह जाए। ये मफहूमुल कुरान में अजीजा ने मान, मैंने इसका मफहूम दिया है, और उसके बाद जो अगली ताकीद है इस किस्म की जमात तैयार करने के बाद जो कहा गया है कि अब बता दे इस पूरी जमात को, क्या बता दे, ला तम नुन तस तक सिर, और ये फिर आइंदा दर्स में हम लेंगे कि आज वक्त हो गया। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतल अजीजुल अलीम, ये सारी सूरतें ही आप देखेंगे इनकलाबी मंशूर प्रोक्लेमेशन की, ये सूरतें हैं अजीजा ने मान। एक एक सूरत, उसका एक एक आयत, आयत का एक एक लफ्ज उस इनकलाब अजीम की शहादत देता है जिसे लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे।